दोस्तों, वर्कर सोशलिस्ट टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सामयिकी में मैं आपके साथ, मैं हूँ राजेश त्यागी। मुजफ्फरनगर और उसके बाद करनाल में हुई किसानों की रैलियों ने दिल्ली से लखनऊ तक, चंडीगढ़ तक मोदी सरकार की, भाजपा सरकारों की नींद उड़ा दी है। पूरी तरह से किसानों का ये विरोध मोदी सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा अपने आप में आंदोलन जो किसानों का चल रहा है, तीन कृषि कानूनों को, उनके खात्मे को लेकर, एमएसपी की बरकरारी को लेकर, इसने पूरी तरह से मोदी सरकार के पैरों के नीचे से ज़मीन निकाल दी है। और शुरू में जहां मोदी सरकार ये एक्सपेक्ट कर रही थी, ये समझ रही थी कि किसी तरह से इस किसान आंदोलन को दबाया जा सकता है, इस किसान आंदोलन को ख़त्म किया जा सकता है, तो वो जो है अब मोदी सरकार के दिमाग से ये बात जो है पूरी तरह से किसान आंदोलन ने धो दी है कि किसान आंदोलन ख़त्म नहीं होने वाला है जब तक ये तीन कृषि कानूनों को ख़त्म नहीं कर देता, एमएसपी को रेस्टोर नहीं कर देता, उसे बरकरार नहीं करा देता। लेकिन मोदी सरकार की मजबूरी ये है कि इस तमाम दबाव के बावजूद, किसान आंदोलन के इस दबाव के बावजूद, मोदी सरकार अब इन तीन कृषि कानूनों को लागू करने से पीछे नहीं हट सकती। अगर मोदी सरकार पीछे हटती है तो एक तरफ तो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय निवेशकों के बीच में, जिनके बीच में नरेंद्र मोदी को वे लौह पुरुष के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, तो वहाँ ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये सरकार किसी भी तरह से पूंजीपतियों के हितों को आगे नहीं बढ़ा सकती। और उससे मोदी का जो ग्राफ है पूंजीपतियों के बीच में वो गिर जाएगा, भाजपा का ग्राफ गिर जाएगा, और पूंजीपति वर्ग की दूसरी पार्टियों, कांग्रेस, सपा, बसपा के लिए जो है नई ज़मीन तैयार हो जाएगी पूंजीपति वर्ग के बीच में। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात है, भारत के जो बड़े पूंजीपति हैं उनकी अपनी एक मजबूरी है कि उनका जो मुनाफे हैं उनकी दर लगातार गिरती जा रही है। पूंजीवाद का नियम भी है कि उसमें मुनाफों की दर गिरती है। और इस बीच में जो संकट पैदा हुआ है, कोविड से संकट पैदा हुआ है, उससे पहले आर्थिक संकट था, तो इस सब के चलते जो मुनाफों की दर है, मुनाफों का जो रेट है, प्रॉफिट का रेट है, वो लगातार गिर रहा है। और इस दर को गिरने से रोकने के लिए, इसे अरेस्ट करने के लिए पूंजीपति वर्ग जो है वो हाथ पैर मार रहा है। और उसमें जो अभी एकमात्र कारगर रास्ता उसे दिखाई दे रहा है वो है खेती को हड़पना, किसी भी तरह से किसानों को किनारे लगाना, उनकी खेती को हड़पना, उनकी ज़मीनों को हड़पना, उस पर नियंत्रण करना और उसे पूंजीवादी मुनाफों के और बड़े साधन के रूप में, और बड़े शोषण और उत्पीड़न के बायस के रूप में उसे जो है आगे विकसित करना, बाजार को, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय बाजार को गांवों की मंडियों तक पूरी तरह से लेकर के जाना और मंडियों को पूरी तरह से उसके अधीन कर देना, उसके साथ जोड़ देना, उनके बीच में जो संरक्षण, जो प्रतिरक्षण जो किसानों के लिए आज उपलब्ध हैं उनको भी गिरा देना, हर तरह की बैरिकेड्स को गिरा देना और इसको पूरी तरह से किसानों को, खेती को, खेती की ज़मीनों को, फसलों को बड़े पूंजीपतियों की लूट के लिए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पूंजीपतियों की लूट के लिए उसे खोल देना। तो ये एक उद्देश्य है जिसे लेकर ये तीन कृषि कानून लाए गए थे। और इन तीन कृषि कानूनों का किसान जो हैं वो पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं, एमएसपी को रेस्टोर करने की मांग कर रहे हैं। और सरकार जो है उसने अपनी तरफ से बहुत सारी कोशिशें कर ली हैं, किसान आंदोलन के दमन की कोशिश कर ली है, किसानों को मूर्ख बनाने की, उन्हें बेवकूफ़ बनाने की, उन्हें भ्रमित करने की कोशिश कर ली है, लेकिन ये सब कोशिशें सरकार की नाकाम हो रही हैं। और जितना ही सरकार इस पर दमन की कोशिश कर रही है उतना ही किसानों का गुस्सा जो है, आक्रोश जो है वो बढ़ता जा रहा है। अभी आपने देखा किस तरह से करनाल के अंदर बस्ताड़ा में लाठीचार्ज हुआ और उसके अंदर एक किसान की मौत हुई, दर्जन से ज़्यादा किसान घायल हुए। और इसी तरह से अभी पंजाब के अंदर जो है पंजाब के मोगा में मोगा मंडी के सामने किसानों पर उसी तरह का बर्बर लाठीचार्ज हुआ जिसमें कम से कम 8 दर्जन किसान जो हैं वो घायल हो गए। और इनके घायल होने से ये जो गुस्सा है किसानों का, ये और भी जोर से भड़क गया। और अकेली भाजपा के खिलाफ नहीं, कांग्रेस के खिलाफ भी, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, तो ये तमाम पार्टियां मिलकर जिस तरह से किसानों का उत्पीड़न कर रही हैं उसे लेकर पूरे देश में किसानों के बीच में जो है जबरदस्त आक्रोश है। ये जो महापंचायत हुई है 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई है और आज
पाँच तारीख यानी परसों मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई है, जिसमें कम से कम अनुमान है कि 10 लाख के करीब किसान जो है देश भर से वहाँ इकट्ठा हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, यहाँ से तो बहुत बड़ा इकट्ठा हुआ ही है, तमिलनाडु तक से जो है किसान, इस किसानों के जो डेलीगेशंस हैं, उनके जो प्रतिनिधि मंडल हैं, वो इस किसान रैली में शामिल थे। मुजफ्फरनगर की किसान रैली में उनका वहाँ स्वागत किया गया और 10 लाख से ज़्यादा किसान जो है वहाँ इकट्ठा हो गए थे। पूरा मुजफ्फरनगर जो है वो एक तरह से किसानों से छप गया था। इन किसानों ने, आंदोलनकारियों ने वहाँ भाजपा के तमाम झंडे, तोरण, पोस्टर सब फाड़ फेंके थे और उनकी जगह पर अपने रैली के जो पोस्टर हैं वो लगा दिए थे। एक ऐसा माहौल तैयार हो गया था जिसमें भाजपा ही उस दिन अपने घरों से नहीं निकले, जिन्होंने अपने घरों पर झंडे लगा रखे थे भाजपा के वो उतार लिए। और एक ऐसा ऐसी स्थिति मुजफ्फरनगर के अंदर बनी हुई थी जिसमें ऐसा लग रहा था कि पूरा जो है ये शहर जो है ये जनता के हवाले हो गया है, किसानों के हवाले हो गया है। और इस रैली ने एक बहुत ज़बरदस्त अपनी छाप छोड़ी है भारत की राजनीति पर। बहुत लंबे समय के बाद इस तरह की रैली जो है वो हुई है। इससे पहले भी 29 जनवरी को मुजफ्फरनगर में रैली हुई थी। इस रैली में, ये रैली असल में इसलिए बुलानी पड़ी थी, ये सभा 29 जनवरी को बुलानी पड़ी थी, क्योंकि 26 जनवरी को भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने एक बड़ी साजिश करते हुए किसानों के खिलाफ जो है एक दमन की मुहिम शुरू कर दी थी, जिसमें उन्होंने 26 जनवरी को लाल किले के अंदर घुसे कुछ किसानों को बहाना बनाकर उन्होंने दमन की मुहिम शुरू की थी। हालांकि लाल किले के अंदर किसानों का घुसना कोई अपराध नहीं था, ये देश जो है ये मजदूर किसानों का है, और अगर लाल किले को पूंजीपतियों को बेचा जा सकता है तो किसान उसके अंदर क्यों नहीं घुस सकते। लेकिन इसे एक बहाना बनाकर भाजपा सरकार ने एक दमन की मुहिम शुरू कर दी थी, किसान नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद 29 जनवरी को मुजफ्फरनगर के सिसौली में एक बड़ी सभा हुई थी, एक बड़ी पंचायत हुई थी, जिसके बाद सरकार का ये जो जोश है किसान आंदोलन का दमन करने का, ये एकदम से ठंडा पड़ गया था। और किसान और सरकार को जो है चार आंखें हो गई थी कि अगर किसानों के ऊपर इस तरह का दमन किया गया तो उसके खिलाफ जो है जबरदस्त प्रतिरोध आएगा, सरकार पीछे हट गई थी इस दमन से। 29 जनवरी के बाद जो है ये 29 जनवरी को एक पंचायत थी, जिसमें बहुत बड़ी पंचायत थी, बहुत हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए थे। लेकिन ये जो महापंचायत अभी 5 तारीख को परसों मुजफ्फरनगर के अंदर हुई है, उसके GIS ग्राउंड के अंदर हुई है, तो इसके मुकाबले में 29 जनवरी की जो पंचायत है वो कुछ भी नहीं थी, वो फीकी पड़ जाती है। इसके अंदर 10 लाख से ज़्यादा, जैसा मैंने कहा कि लोगों ने हिस्सा लिया, ये तमाम जो अखबार हैं, बूर्जो अखबार हैं, मीडिया है, उनका भी आंकलन है, लेकिन तमाम दक्षिणपंथी मीडिया ने, बूर्जो अखबारों ने इस रैली की खबरों को या तो पूरी तरह से गायब कर दिया या इसे बहुत छोटा करके आंका। इस रैली ने एक बड़ी चुनौती दी। इस रैली में तमाम किसान नेताओं ने जो आह्वान किया उसका एक राजनीतिक स्वर था, और वो राजनीतिक स्वर था कि हम भाजपा सरकारों को उखाड़ फेंकेंगे, केंद्र की भाजपा सरकार को उखाड़ने से पहले राज्यों की भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। और 2022 में जो उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, विशेष रूप से उस चुनाव के लिए जिसमें अब कुछ ही महीने शेष हैं, उसके लिए किसानों ने सामूहिक तौर पर यह शपथ ली कि योगी सरकार को वे उत्तर प्रदेश से विदा करेंगे, योगी सरकार को उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकेंगे। और इसी तरह आज जो करनाल में रैली हुई, उसके अंदर किसानों ने मांग की कि किसानों पर लाठीचार्ज का षड्यंत्र रचने वाले, उनके सिर फोड़ने के लिए आह्वान करने वाले, अपील करने वाले SDM को तुरंत जो है सज़ा के तौर पर सस्पेंड कर दिया जाए, उस पर कार्रवाई की जाए, FIR दर्ज की जाए और उसे अंदर किया जाए। आज किसानों को बहुत बड़ा पुलिस बल बुलाकर करनाल के अंदर उनको सेक्रेटरीट की तरफ बढ़ने से रोक दिया गया, और सरकार की तरफ से, खट्टर सरकार की तरफ से ये कहा गया कि 11 किसान जो हैं वे सेक्रेटरीट के अंदर आकर बातचीत कर लें सरकार से। और जब ये 11 किसान वहाँ बातचीत करने गए और वो बातचीत टूट गई, किसान राजी नहीं हुए, किसानों ने कहा कि इससे कम हम राजी नहीं होंगे, इस SDM के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया जाए और इसे नौकरी से बाहर किया जाए,
तो इन 11 किसानों को पुलिस जो है वो गिरफ्तार करके ले जाने लगी, लेकिन बहुत बड़ी भीड़ का जो है उसको गुस्से का सामना करना पड़ा रास्ते में, और रास्ते में उन किसान नेताओं को जो है छोड़ना पड़ा। इस तरह से एक तरह से खट्टर सरकार की ये साजिश भी बुरी तरह से पिटी। भाजपा सरकारें पूरी तरह से किसान विरोधी सरकारें हैं, इस आंदोलन ने ये दिखा दिया है। नरेंद्र मोदी और उसके जो तमाम जो जो सरकारें हैं, भाजपा की केंद्र में सरकार है, राज्यों में सरकार हैं, और नरेंद्र मोदी के जो कनिष्ठ नेता हैं खट्टर जैसे, वो पूरी तरह से नंगे हो गए हैं किसान विरोधी नेताओं के तौर पर, भाजपा किसान विरोधी पार्टी के तौर पर। और एक ऐसा माहौल जो है वो तैयार हो गया है जिसके अंदर पूरे देश के अंदर बढ़ता हुआ जो कृषि संकट है, बढ़ता हुआ जो किसानी का संकट है, खेती का संकट है, उसमें वो लग रहा है कि भाजपा सरकार को पूरी तरह से लेकर डूब जाएगा। किसानों ने जो मांगे आगे रखी हैं उसमें एमएसपी को रेस्टोर करने के लिए, एमएसपी को बरकरार रखने के लिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो फसलों का है उसे बरकरार रखने के लिए, और 28 अगस्त के लाठीचार्ज में जो दोषी एसडीएम है उसको दंडित करने के लिए, और इसके साथ ही एक बड़ी घोषणा जो है इस मुजफ्फरनगर रैली में की गई, जिसकी गूंज हमें करनाल रैली में फिर आज सुनाई दी, वो था 27 सितंबर का भारत बंद। तमाम किसान यूनियनों का जो सामूहिक संगठन है, जो ये किसान मोर्चा बना हुआ है, संयुक्त किसान मोर्चा, उसने आह्वान किया है कि 27 सितंबर को तमाम किसान संगठन मिलकर पूरे भारत के अंदर बंद रखेंगे, पूरे भारत के अंदर बंद करेंगे। और जिस तरह की रैली मुजफ्फरनगर और करनाल में हुई है, मुजफ्फरनगर में 5 तारीख को, करनाल के अंदर 7 तारीख को, उसी तरह की रैलियां जो हैं 9 और 10 सितंबर को लखनऊ में, दो दिन लखनऊ में रैली की जाएगी, और 15 सितंबर को जयपुर में रैली की जाएगी। और इस तरह की जो पंचायतें और महापंचायतें हैं वे लगातार बुलाई जाती रहेंगी। आज करनाल में हुई रैली में भी कहा गया कि पूरे हरियाणा के अंदर करनाल जैसी रैलियां जो हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर बुलाई जाएंगी, जगह जगह बुलाई जाएंगी, और खट्टर सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए उनके अंदर आह्वान किया जाएगा। इस किसान आंदोलन में आज जो अनाज मंडी के अंदर, करनाल की अनाज मंडी में ये रैली रखी गई थी, तो पूरी अनाज मंडी जो है वो अच्छी तरह से किसानों से भरी हुई थी, और हजारों की तादाद में किसान अनाज मंडी के बाहर भी खड़े हुए थे, जो बताता है कि किस तरह से किसानों के अंदर जो है इस समय भाजपा सरकार के खिलाफ आक्रोश है। इन किसान आंदोलनों ने भाजपा के लिए ये लगभग असंभव बना दिया है कि वो किसी भी तरह की पब्लिक रैली कर सके। किसान संगठनों ने चेतावनी दे रखी है भाजपा को कि उसे किसी भी तरह की पब्लिक रैली नहीं करने दी जाएंगी, जनसभा नहीं करने दी जाएंगी, और इसके चलते भाजपा जो है वो अपनी जनसभाएं नहीं कर पा रही है, कोई जनसंपर्क अभियान नहीं चला पा रही है, और किसानों के बीच में एक आम भावना जो भाजपा के खिलाफ फैल गई है, उसके चलते भाजपा नेताओं के बीच में एक डर की भी लहर जो है वो दौड़ गई है। अभी भाजपा विधायक उमेश मलिक जो हैं उनकी गाड़ी पर किसानों ने हमला किया था, और उमेश मलिक की गाड़ी पर हमला करने के बाद उनकी जो गठवाला खाप है जिससे वे संबंध रखते हैं, तो गठवाला खाप जो है वो किसान आंदोलन के और ख़ासतौर से बलियान खाप के खिलाफ हो गई थी, जिससे नरेश टिकैत और राकेश टिकैत आते हैं, टिकैत परिवार आता है। तो ये किसान आंदोलन का जो है एक नेगेटिव, एक नकारात्मक पहलू भी है कि वो इन खापों पर आधारित हैं, इन खापों के हाथ में है, और इसकी ये जो प्रतिक्रियावादी धार है किसान आंदोलन की, ये भविष्य में इसे नुकसान करेगी। ख़ास तौर से किसान आंदोलनों पर और किसान संगठनों पर ये जो बड़े किसानों का, अमीर किसानों का नेतृत्व है, जो अपनी अपनी खापों के नेता भी हैं, इसका एक जातिवादी पहलू है, एक जातिवादी धार है, तो ये आने वाले समय में बड़ा नुकसान पहुंचाएगी, जिसका जो तोड़ है, जिसका जो काउंटर है वो ये है कि इन किसान आंदोलनों पर गरीब किसानों की मदद से जो सर्वहारा समुदाय हैं वो इन्हें नेतृत्व दें, और बड़े किसानों के हाथ से नेतृत्व जो है उसको अलग करें, उस नेतृत्व को अपने हाथ में लें। जब तक
गरीब किसानों की मदद से सरवाना इसका नेतृत्व अपने हाथ में नहीं लेता, तब तक इन आंदोलनों के अंदर ये जो प्रतिक्रियावादी तत्व हैं, ये जो प्रतिक्रियावादी एलिमेंट्स हैं, जाति के, खाप के, धर्म के, तब तक इन पर जो है काबू पाना मुश्किल होगा और ये किसी भी समय आंदोलन के अंदर जो है इनको अपर हैंड मिल सकता है, किसी भी समय ये इनका उभार हो सकता है और उस स्थिति में ये बड़ा नुकसान जो है किसान आंदोलन को पहुंचा सकते हैं। किसान इस समय पेट्रोल और डीजल की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उनसे बुरी तरह त्रस्त हैं, खासतौर से डीजल की बढ़ती हुई कीमतों ने किसानों की कमर तोड़ दी है। किसान नेताओं ने इस रैली में, मुजफ्फरनगर और करनाल की रैलियों में बताया कि जो लागत है फसल की वो पिछले दो सालों में लगभग 2 से 3 गुनी के बीच में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से बढ़ी है। डीजल और पेट्रोल की कीमतों के साथ महंगाई लगातार बढ़ती गई और उसके साथ ही लागत मूल्य जो है फसलों का वो बढ़ता चला गया है, जबकि पिछले 3 सालों से तीसरा साल शुरू हो गया जिससे जो समर्थन मूल्य है विशेष रूप से गन्ने का, ये जो पूरी गन्ना बेल्ट है, शुगर केन बेल्ट है, तो इसके अंदर गन्ने का किसी तरह से भी समर्थन मूल्य नहीं बढ़ा गया है, जिससे किसान जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हैं। दूसरा, वो इस बात से नाराज़ हैं कि उनके जो भुगतान है, गन्ने का जो भुगतान है, वो एकमुश्त न करके छोटी 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 किस्तों में किया जाता है और उसके बावजूद बहुत सारे भुगतान को लगातार लटकाए रखा जाता है, जिससे उनकी जो इकोनॉमी है, उनकी जो घर की अर्थव्यवस्था है, वो सुचारू रूप से नहीं चल पाती। तो इन बातों को लेकर किसानों का जो गुस्सा है वो सातवें आसमान पर पहुंच रहा है। इसके साथ ही जो 3 कृषि कानून सरकार लाई है, सरकार ने बहुत सारी कोशिशें की किसानों को बेवकूफ़ बनाने की, उन्हें समझाने की कि किस तरह से कृषि कानून उनके हक में है, लेकिन किसान इसे बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं कि पूंजीपतियों के दलाल, ये जो मोदी सरकार है, ये किसानों के हक में नहीं बल्कि बड़े पूंजीपतियों के हक में ये कानून ला रही है और इसे कानून लाने का जो इसका उद्देश्य है वो सिर्फ इन पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाना और किसानी को, खेती को इन पूंजीपतियों के हाथ लुटवाना है, उसका शोषण कराना है किसान का। तो इसे लेकर किसान जो हैं वो बहुत गुस्से में हैं और खेती के इस बढ़ते लागत मूल्य से जहां किसान घरों की, किसानी अर्थव्यवस्था की पूरी तरह से रीढ़ टूट रही है और किसान जो है वो बुरी तरह से त्रस्त है और उस सब के चलते सरकार पूरी तरह से पूंजीपतियों के पक्ष में खड़ी हुई है, तो इस सब को लेकर किसानों के अंदर जो गुस्सा है, उनके अंदर जो रोष है, वो हर आए दिन बढ़ता जा रहा है और जितना ही भाजपा सरकार उन्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है, जितना ही उन पर दमन कर रही है, उतना ही ज़्यादा किसानों का ये जो गुस्सा है ये लगातार जो है ये भड़कता जा रहा है। इस गुस्से की वानगी जो है हमें मुजफ्फरनगर की इस रैली में देखने को मिली, जहां बड़े बड़े होर्डिंग जो योगी और भाजपा के लगाए गए थे, मोदी के लगाए गए थे, उन सबको किसानों ने या तो गिरा दिया या उनको जो है उनके ऊपर से उनके पोस्टरों को फाड़ फेंका, उन होर्डिंग्स को फाड़ फेंका और उसकी जगह जो है किसानों ने वहाँ अपनी होर्डिंग्स खड़ी की, अपने पोस्टर लगाए, अपने जो वहाँ बैनर्स हैं वो लगाए उनके ऊपर। तो ये गुस्सा जो है अभी इस रूप में किसानों का जो है वो सामने आ रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि केंद्र और राज्यों से भाजपा सरकार को पूरी तरह से चुनाव में उखाड़ फेंकेंगे और इसे उन्होंने मिशन यूपी का नाम दिया। ये मिशन यूपी का उन्होंने एक तरह से धुंधली बजा दी, उसकी शुरुआत का ऐलान कर दिया मिशन यूपी, जिसमें उनका एकमात्र एजेंडा है योगी सरकार को उखाड़ फेंकना, योगी सरकार का खात्मा करना। दूसरा, किसान नेताओं ने पुरजोर तरीके से ये कहा कि दिल्ली के बॉर्डर्स पर जो किसान आंदोलन जारी है वो इसी तरह चलता रहेगा, चाहे हमारी वहाँ कब्रें भी बन जाए, चाहे हमें वहाँ मरना पड़े, दमन का शिकार होना पड़े, लेकिन किसी भी हालत में वहाँ से धरना नहीं हटाया जाएगा। ये एक तरह से करो या मरो की नीति है जिसे किसान नेता इसे चलाने के लिए, धरने को चलाए रखने के लिए अड़ी गए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक इन 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लिया जाता और ये जो हमला है बड़े पूंजीपतियों की तरफ से उनके दलाल सरकार का किसानी पर, खेती पर, जब तक इस हमले से सरकार पीछे नहीं हट जाती वे दिल्ली के बॉर्डर्स को नहीं छोड़ेंगे। और दिल्ली के बॉर्डर्स पर हालांकि किसानों की तादाद जो है वो सीमित है, लेकिन इस रैली ने एक बात जो है बहुत स्पष्ट कर दी है कि दिल्ली के बॉर्डर्स पर कितने भी किसान बैठे हों, वे ये सांकेतिक धरने हैं किसानों के दिल्ली के बॉर्डर्स पर, उनके पीछे अथाह ताकत जो है
अपार ताकत जो है देश भर के किसानों की, भारत भर के किसानों की मौजूद है, और चुटकी बजाते ही ये किसान जो है किसी भी समय अपने किसान नेताओं के पीछे, इस किसान आंदोलन के पीछे आकर जो है जुट जाएंगे, आकर खड़े हो जाएंगे। जैसा मैंने कहा कि ये किसानों का रिजॉल्व है और ये एक फूट पड़ रही है। आप जानते हैं कि भारत में जो बूर्जुआजी की सत्ता है 1947 से अब तक, वो किसानों की वोट पर, किसानों के समर्थन पर, और किसानों के समर्थन पर ही नहीं, उनके उस लहू पर जिसमें वो अपने बेटे बेटियों को फौज के अंदर, पुलिस के अंदर भेजते हैं, जो इसकी पूंजीवाद की और पूंजीपतियों की तिजोरियों की जो है चौकीदारी करते हैं, तो उनके इस समर्थन के दम पर, उनके सहयोग के दम पर यहाँ बूर्जुआजी की सत्ता जो है वो टिकी हुई है, वो चल रही है। लेकिन अभी ये दिखाई दे रहा है कि ये जो दोनों का ये जो समर्थन है किसानों का पूंजीपति वर्ग के लिए, और ये दोनों के बीच में जो गठबंधन है जो 75 साल चला है, ये अब और चलने वाला नहीं है, क्योंकि बूर्जुआजी को इस समय जो आर्थिक संकट है, जिसे कोविड संकट ने आसमान में पहुंचा दिया है, ये आर्थिक संकट बूर्जुआजी को, शासक बूर्जुआजी को ये मजबूर कर रहा है, उसे बाध्य कर रहा है कि वो जिस डाल पर बैठी हुई है उस डाल पर ही कुल्हाड़े चलाए, उस डाल को ही काट डाले, और ये डाल है किसान। तो किसान के ऊपर जो है ये कुल्हाड़ा चलाने के लिए, ये हमला करने के लिए इस समय आर्थिक संकट बूर्जुआजी को मजबूर कर रहा है, जिसका अर्थ है कि अगर भारत के पूंजीपति वर्ग को अपने मुनाफों को कायम रखना है, अगर उसे दुनिया के और खासतौर से एशिया के पूंजीपतियों के खिलाफ, और उसमें भी विशेष रूप से चीन के खिलाफ अगर उन्हें दौड़ लगानी है, अगर उन्हें उससे मुकाबला करना है, तो उन्हें खेती पर हमला करना पड़ेगा, खेती को लूटना पड़ेगा, खेत को लूटना पड़ेगा, किसान को लूटना पड़ेगा, और इस लूट के लिए उन्होंने अपने हाथ बढ़ा दिए हैं। ये जो तीन कृषि कानून हैं, ये उस लूट का मंजर हैं, ये उस लूट का जो है उसका एक तरीके से कहा जाए कि उसकी अगली कतार में ये हमला है, उसका पहला हमला है किसानों के ऊपर इन तीन कृषि कानूनों के जरिए, जिसमें किसानों की कमर तोड़कर उनकी जो फसलें हैं, उनकी जो ज़मीन है, उसे लूटने का ये मंसूबा भारत के पूंजीपतियों ने नरेंद्र मोदी की सरकार के जरिए जो है तैयार किया है। तो ये जो मंसूबा है मोदी सरकार का, ये खटाई में पड़ गया है, क्योंकि किसानों की तरफ से इतना ज़बरदस्त प्रतिरोध आया है, और इन तमाम भ्रमों के साथ जिन्हें सरकार किसानों पर लाद रही थी, तमाम दमन के साथ जैसे किसानों पर लादना चाहती थी मोदी सरकार, इसके खिलाफ इस सब के जारी रहते हुए ये प्रतिरोध आया है। और सरकार का ये जो मंसूबा था कि वो किसी भी तरह से खेती को हड़प लेगी, उसे पूंजीपतियों के हवाले कर देगी, ये टूटता नज़र आ रहा है, ये तिलिस्म जो है ये टूटता नज़र आ रहा है। और इसके चलते एक बात और बहुत महत्वपूर्ण हुई है कि नरेंद्र मोदी और उसकी जो भाजपा की जो दूसरी सरकारें हैं, और भाजपा पार्टी का इस फांसीवादी आंदोलन का जो मुख्य हथियार है सांप्रदायिकता, तो वो इस किसान आंदोलन के चलते जैसे जैसे किसानों और बड़ी बूर्जुआजी के बीच में फूट पड़ रही है, उनके बीच में खाई चौड़ी हो रही है, इसके चलते सांप्रदायिकता का ये हथियार जो है ये कुंद होता जा रहा है, ये इसकी धार जो है वो खत्म होती जा रही है। मुजफ्फरनगर ये वो क्षेत्र है जहां आज से 8 साल पहले भाजपा सांप्रदायिक दंगा कराने में सफल हो गई थी, और उसके अंदर समाजवादी पार्टी का भी बड़ा हाथ था उस दंगे के अंदर, हम सब जानते हैं। वहां हिंदू मुसलमानों को बांटने में, किसानों को, मेहनतकशों को, मजदूरों को बांटने में भाजपा और समाजवादी पार्टी ने मिलकर काम किया था। तो ये जो 8 साल पहले जो दंगे की ज़मीन थी मुजफ्फरनगर, वो आज वर्ग संघर्ष की ज़मीन बन गई है, एक ऐसी ज़मीन बन गई है जिसमें बूर्जुआजी और निम्न बूर्जुआजी, पेटी बूर्जुआजी के बीच में ज़बरदस्त फूट पड़ गई है, जहां पेटी बूर्जुआजी के हिस्से वे मेहनत कश जनता के साथ मिलकर बूर्जुआजी के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। ये बहुत ही स्वागत योग्य जो है हम कहेंगे युग है जिसकी शुरुआत हुई है। बूर्जुआजी बड़े पूंजीपतियों की सत्ता इस समय किसानों पर हमला किए बिना नहीं रह सकती, क्योंकि इस हमले के बिना, इस लूट के बिना, शोषण के बिना वो अपने जो काउंटर पार्ट हैं, जो दूसरे पूंजीपति हैं, दूसरे देशों के पूंजीपति हैं, उनका मुकाबला नहीं कर सकती। उसे बहुत बड़ी तादाद में ये लूट चाहिए, टैक्सों के नाम पे लूट चाहिए, उसे मुनाफों के नाम पे लूट चाहिए, और पूरी तरह से किसानी को तबाह करके, खेती को तबाह करके ही वो इस समय
दुनिया भर में भारत के पूंजीपति जो हैं वो अपना जो मार्च है आगे की तरफ उसे जारी रख सकते हैं, उसे आगे बढ़ा सकते हैं, वे चीन का मुकाबला कर सकते हैं, वे दूसरे देशों के जो पूंजीपति हैं अगर उनका उनसे आगे नहीं निकल सकते तो कम से कम उन्हें कैचअप करने की जो है तैयारी कर सकते हैं, उसके लिए कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ये सारी कोशिशें अब विफल होती दिखाई दे रही हैं। दिखाई दे रहा है कि मोदी सरकार जो है वो इस हमले को जारी नहीं रख पाएगी और किसानों के इस एक तरह से प्रतिघात के सामने मोदी सरकार जो है ये ढह जाएगी। भाजपा और भाजपा के नेतृत्व वाली ये सरकारें पूंजीपतियों की दलाली करना बंद नहीं करेंगी और इन्हें किसान आंदोलन जो है वो उखाड़ कर फेंक देगा। अब एक ऐसी स्थिति बन रही है कि अब अगर मोदी सरकार पीछे हटी भी, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर हो सकता है अपनी सरकार को बचाने के लिए वे पीछे हटने की कोशिश करें, लेकिन अगर अब वे पीछे हटे भी तो भी किसान जो है वो अब इस भ्रम में नहीं आने वाला है कि मोदी सरकार किसी भी तरह से उसे बख्श देगी। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावों के पूर्व संध्या पर उन्होंने इन तीन कानूनों का जो पालन है उसे स्थगित भी किया तो ये निश्चित है कि चुनाव के तुरंत बाद जैसे ही वो उत्तर प्रदेश में फिर से सत्ता ले लेगी, अगर वो ले लेगी तो फिर से इन कानूनों को और भी सख्ती से जो है वो लागू करेगी। और इस बार अभी तो वो चुनाव को लेकर डर रही है, इस बार वो डर भी उसका ख़त्म हो जाएगा। तो किसान जो है, किसान नेताओं का ये जो उनकी योजना है, उनका प्लान है, उनकी मुहिम है कि भाजपा सरकारों को किसी भी कीमत पर उखाड़ फेंका जाए, ये बिल्कुल सही है और ये दूसरी जो पूंजीवादी पार्टियां हैं उनके लिए एक सबक भी है। हालांकि वे इससे कोई सबक लेंगी और किसी भी तरह से इस मुहिम से वे पीछे हटेंगी ऐसा संभव नहीं है। ये जो मुहिम है मंडियों पर हमले की, मंडियों को ख़त्म करने की, MSP को ख़त्म करने की, ये दरअसल भाजपा ने नहीं कांग्रेस ने शुरू की थी और लंबे समय से जो पूंजीवादी सरकारें हैं वे इस मुहिम को चलाती आ रही हैं। लेकिन किसान आंदोलन के बूते से ये बाहर है कि वो इन तमाम पूंजीवादी पार्टियों को खदेड़ दे, पूंजीवाद का तख्ता उलट दे, ये किसान आंदोलन के बूते से बाहर है। किसान आंदोलन का एक हिस्सा और ख़ासतौर से इसका नेतृत्वकारी हिस्सा, ऊपर का हिस्सा, वे खुद पूंजीपति वर्ग का हिस्सा हैं, निम्न पूंजीपति हैं और वे जो अमीर किसान हैं इस आंदोलन के अंदर, जिनका अभी किसान आंदोलन पर दबदबा बना हुआ है, खुद राकेश टिकैत और नरेश टिकैत जो है इस श्रेणी में आते हैं और ज़्यादातर किसान नेता अमीर किसानों के कतारों से आते हैं और इन्हीं से सबसे बड़ा खतरा भी है किसान आंदोलन को। आज ये मिलिटेंट भाषा बोल रहे हैं लेकिन कल को ये निश्चित रूप से अगर भाजपा नहीं तो दूसरी पूंजीवादी पार्टियों की गोद में जा बैठेंगे। और आपने देखा किस तरह से नरेश टिकैत ने बार बार ये कहा कि हमने भाजपा को मदद करके चुनाव में गलती की थी, तो आप देखेंगे ये वक्तन फक्तन ये जो अमीर किसानों की जमात है ये इन पूंजीवादी पार्टियों को जो है समर्थन देती रहती है और इनके बीच में ये जो जाति के खाप के और ये तमाम समीकरण हैं ये भविष्य में किसान आंदोलन के लिए अगर आज नहीं तो कल जो है उसके लिए एक बाधा, एक बैरिकेड साबित होंगे और उसके विनाश में, किसान आंदोलन के विनाश में ये अपनी भूमिका जो है अदा कर सकते हैं। इसलिए इस विनाश से बचने के लिए, किसान आंदोलन को बचाने के लिए जरूरी है कि किसान आंदोलन पर गरीब किसानों की मदद से सर्वहारा जो है अपना नेतृत्व स्थापित करे, अपना प्राधिकार स्थापित करे। सिर्फ ये नेतृत्व और प्राधिकार इस आंदोलन को जो है, इस आंदोलन के आगे बढ़ने की और बूर्जुआजी के किनारे लगने की जो है गारंटी हो सकता है। मजदूर वर्ग को इस स्वतंत्र रूप से इस आंदोलन के लिए संगठित करना, उसे मोबिलाइज करना, ये हमारा सबसे पहला कार्यभार और सर्वोपरि कार्यभार है, सर्वोपरि चुनौती है हमारे सामने, सर्वप्रथम चुनौती है जिसका हम मार्क्सवादियों को जो है उसे स्वीकार करना चाहिए। और किसान आंदोलन के अंदर हमें गरीब किसानों की मदद से सर्वहारा का जो नेतृत्व है उसे स्थापित करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। यूपी के अंदर सांप्रदायिक समीकरणों की जो आग, सांप्रदायिक समीकरणों की जो ज्वाला वहाँ भड़काई जा सकती है, पूंजीवाद की पार्टियां भड़का सकते हैं, अकेली भाजपा नहीं दूसरी पार्टियां, हमने देखा आज से 8 साल पहले समाजवादी पार्टी ने इसमें बड़ी भूमिका अदा की थी और कांग्रेस भी इसमें इस तरह की सांप्रदायिकता को हथियार बनाती रही है। भाजपा तो उसकी पार्टी है ही सांप्रदायिकता की, वो तो है ही फांसीवादी पार्टी। तो इन सांप्रदायिक समीकरणों को ध्वस्त करने में, इनको जला डालने में ये जो वर्ग संघर्ष की अपनी आग है ये एक बड़ा काम करेगी, ये इन समीकरणों को पूरी तरह से जला डालेगी, सांप्रदायिक समीकरणों को।
इसके बावजूद ये तभी संभव होगा, हम बार बार इसके लिए आगाह कर रहे हैं अपने दर्शकों को, हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ये तभी संभव होगा जब इस आंदोलन पर सर्वहारा का मजदूर वर्ग का नेतृत्व जो है वो कायम होगा, जब मजदूर वर्ग इस आंदोलन को, किसान आंदोलन को जो है नेतृत्व देगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि मजदूर वर्ग इसके लिए सामने आए, मजदूर वर्ग पहलकदमी ले, मजदूर वर्ग अपनी मांगों के लिए भी पहलकदमी ले, और ये जो तमाम राष्ट्रीय मांगे हैं जिसमें किसानों की मांगे प्रमुख हैं, जिसमें कृषि संकट का हल जो है उसके केंद्र में है, इसको एड्रेस करे, इसको आगे बढ़ाए। तो साथियों, ये जो किसान आंदोलन इस समय ये शुरू हुआ है और ये तमाम तरह की किसान पंचायतें चल रही हैं, किसान रैली चल रही हैं, इनको वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी की तरफ से हम बधाई भी देते हैं और पूरे समर्थन का आश्वासन देते हैं, और अपने तमाम समर्थकों का हम आह्वान करते हैं कि देश भर में इस किसान आंदोलन को समर्थन दे। और ये बहुत सारे संगठन जो ये कह रहे हैं कि इस किसान आंदोलन पर अमीर किसानों का नेतृत्व है, इसलिए इसे समर्थन ना दिया जाए, हम इस बात के पूरी तरह से खिलाफ हैं। हर हालत में इस किसान आंदोलन को समर्थन दिया जाए, इस पर नेतृत्व बड़े किसानों का है, उस नेतृत्व के खिलाफ संघर्ष किया जाए, मजदूर वर्ग के नेतृत्व के लिए संघर्ष किया जाए, लेकिन इस आधार पर कि इस पर बड़े किसानों का नेतृत्व है उसे समर्थन ना दिया जाए, हम इस बात के पूरी तरह खिलाफ हैं। निश्चित रूप से बिना शर्त इस किसान आंदोलन को, मजदूर वर्ग को और मार्क्सवादियों को समर्थन देना चाहिए। और ये जो किसान आंदोलन जो इस समय, हमें समझ लेना चाहिए कि ये बड़े पूंजीपतियों के खिलाफ संघर्ष कर रहा है, और ये जो फूट पड़ रही है बड़े पूंजीपतियों के खिलाफ जो किसान आंदोलन संगठित हो रहा है, हमें इस खाई को भरने की नहीं, हमें इसे चौड़ा करने की कोशिश करनी चाहिए। जितनी ये खाई चौड़ी होगी उतना ही इस आंदोलन पर मजदूर वर्ग का, सर्वहारा का जो नियंत्रण है, उसका जो नेतृत्व है वो मजबूत होगा, वो सुदृढ़ होगा, और जितनी ये खाई चौड़ी होगी उतना ही बूर्जुआजी जो है, बड़ा पूंजीपति वर्ग जो है वो आइसोलेट होगा और वो कमज़ोर होगा। हाँ, ये सही है कि अगर इस बड़े पूंजीपतियों और मजदूरों के बीच में से एक को चुनना पड़ेगा तो जो अमीर किसान हैं, जो ऊपर के संस्तर हैं किसानों के, वे बड़े बूर्जुआजी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन उन्हें पंगू बनाने के लिए ये दोहरा संघर्ष जो है ये जरूरी है। किसानों के साथ मिलकर बूर्जुआजी के खिलाफ संघर्ष और अमीर किसानों के खिलाफ आंदोलन के अंदर नेतृत्व के लिए संघर्ष, मजदूर वर्ग के नेतृत्व के लिए संघर्ष। तो इस दोधारे संघर्ष को, इस दोहरे संघर्ष को चलाने के लिए हम जो है आह्वान करते हैं मजदूर वर्ग का, युवाओं का, छात्रों का, कि वे मार्क्सवाद की पार्टी, वर्कर सोशलिस्ट पार्टी के इर्द गिर्द जुटें, वर्कर सोशलिस्ट टीवी के गिर्द जुटें, और उसकी ये जो नीति है किसान आंदोलन को समर्थन देने की और किसान आंदोलन के अंदर सर्वहारा नेतृत्व को हासिल करने और उसे स्थिर करने की, इसे समर्थन दें। तो साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में हमारे साथ रहने के लिए, और इस शो का मतलब है कि इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, किसानों के बीच में, गरीब किसानों के बीच में, मजदूरों के बीच में, बेज़मीने किसानों के बीच में, सीमांत किसानों के बीच में इस संदेश को लेकर के जाएँ, और पूंजीवाद के खिलाफ, पूंजीपति वर्ग की सत्ता के खिलाफ, नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ हमारे संघर्ष में सहयोगी बने, उसमें सहकारी बने। तो साथियों, इस विश्वास के साथ कि इस संदेश को आप फैलाएंगे, आज के लिए विदा। सलाम साथियों।